आज निफ्टी इंडेक्स 25,000 का है एंड इस वैल्यू पे अगर मैं आपसे कहूं कि आप निफ्टी में इन्वेस्ट करो या मार्केट में इन्वेस्ट करो तो आप डेफिनेटली कुछ सोचोगे राइट कि यहां से निफ्टी 25 की 50,000 या 1 लाख कब जाने वाली है, या ये 25,000 वाली निफ्टी क्या नीचे में 20,000 भी आ जाएगी। मतलब आपको एक चीज का तो क्या कहते हैं डर भी कह सकते हो एंड एक चीज की अमेजमेंट भी कह सकते हो कि यहां से निफ्टी ऊपर जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, नीचे जाएगी तो डर लगेगा। बट आप डिसाइड कहां करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एग्जैक्टली मार्केट में कब एंटर होना है, एंड यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। दोस्तों होता यह है कि निफ्टी जब यहां से नीचे चली जाती है ना, सपोज करें भगवान ना करे यहां से 50% 40% 30% कुछ भी करेक्शन आ जाए, तो उस करेक्शन के बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई निफ्टी तो बहुत नीचे आ गई, क्या पता और गिरेगी तो क्या करेंगे। एंड जब निफ्टी ऊपर जाती है तो लोग ये कहते हैं कि भाई निफ्टी तो बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगा हो गया, सब स्टॉक्स महंगे हो गए, अभी अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यहां पे आप डिसीजन कब लोगे कि आपको मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है, एंड इसी चीज में आज मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। इनफैक्ट इसी चीज में स्कैनएक्स हमें हेल्प करने वाला है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैनएक्स जो है स्टॉक स्क्रीनर फॉर इंडियन स्टॉक्स, ये धन ने बनाया है। तो धन में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहो तो ये कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे साल भर वाली एएमसी नहीं लगती, प्लस स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म भी कंप्लीटली फ्री टू यूज है। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई निफ्टी में एग्जैक्टली इन्वेस्ट कब करें, आपको इनसाइट्स पे क्लिक करना है। सो व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट डू दिस रिसर्च, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। और मैं आपको बताता हूँ ये आपको कैसे हेल्प करेगी। आपको मार्केट वैल्यूएशन पे आ जाना है। अब मार्केट वैल्यूएशन पे क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यूएशन पे जो स्क्रीन आती है आपके सामने, ये आपको बाय डिफॉल्ट जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट बना के देती है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट इज 1 month, नेक्स्ट इज 6 months, देन देयर इज 1 year ऑल्सो अवेलेबल एंड 5 years ऑल्सो अवेलेबल। पहले आप इसे समझिए, मैं आपको इस चीज को अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, एंड इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है ये भी आपको बताता हूँ। इसे आपको सिंपल सी लाइन या लाइन ग्राफ मत समझना, ये काफी अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट डेटा है। इसी के साथ आप यहाँ पे इसे अभी जो है पी रेशो के बेस पे देख रहे हो, आप चाहो तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पीबी रेशियो के बेस पे अगर करते हो तो ऐसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप डिविडेंड यील्ड को देखना चाहते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो दिस आल्सो यू विल बी एबल टू सी हियर। मैक्सिमम आपको 5 years का डेटा अवेलेबल है। अगर आपको निफ्टी बैंक को नहीं देखना है, सिर्फ निफ्टी के डेटा को देखना है, तो इसे ऐसे क्लिक करके हटा दीजिए। आप चाहो तो अगर ये यहां से क्लिक्ड हो तो आप यहां पे भी क्लिक करके इसे हटा सकते हो, तो जिससे ये स्ट्राइक आउट हो गया और अब आप सिर्फ निफ्टी 50 का डेटा देख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज है कि आप यहाँ पे इंडाइसेस में प्लस में ऐसे क्लिक करके और भी जितने भी ऑप्शन है इंडाइसेस के आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी बैंक को हटा देते हैं। मैंने वीडियो को शुरू किया था इसी सवाल से कि आप ये कैसे डिसाइड करो कि अगर निफ्टी आज 25,000 पे है तो क्या ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ये सही होगा गलत होगा, या निफ्टी बहुत नीचे आती है। तो अगर आप इस जो अपना जो डिसीजन है अगर आप उसे पी रेशो के बेस पे करना चाहते हो, देन आई एम गिविंग यू दिस आंसर। सी पी रेशो दोस्तों हमेशा एक चीज हमें बताता है, विच आई एम टेलिंग यू वाई अदर वेबसाइट, और इसके मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे सो दैट यू कैन रेफर टू दिस इजीली। हमेशा कहा जाता है कि निफ्टी का जो पी रेशो रेंज होता है ना, वो उसकी वैल्यूएशन को शो करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 25 से 30 की पी रेशो चल रही है, इसमें भी अगर 30 के करीब या 30 के ऊपर चल रहा है ना, तो उसे डेफिनेटली हाईली ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। मतलब कि यहां से अगर आप निफ्टी में पैसा लगाते हो, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो आपका पैसा बनने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो हाईली ओवर वैल्यूड है। अगर यही निफ्टी की पी 20 से 24 के बीच में है तो इसे ओवर वैल्यूड कहते हैं, लाइक इट इज स्टिल फाइन बट वो हाईली ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे फिर आपका जो रिटर्न है इस वाले जोन से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये हो सकता है, एंड इन जोन से कम आएगा। वो ऐसे कि जब 15 से 20 की पी होती है तब कहते हैं कि ये एवरेज और रीजनेबली वैल्यूड है, यहाँ पे आप मार्केट में पैसा लगाओ, आपका पैसा आगे और बढ़ सकता है। 12 से 15 में अगर निफ्टी की पी रेशो आ जाए ना, तो दोस्तों ओवरसोल्ड हो गया है। मतलब अब ये कि अब आप यहाँ से खरीदना डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 12 से नीचे के निफ्टी का पी आ गया ना, तो भाई साहब मतलब सारा पैसा लगा दो मार्केट में, क्योंकि अब ये वो वाला जोन है जहां प्रोबेबली हर कोई स्टॉक को बेचने के पीछे पड़ा हुआ है, एंड पूरी मार्केट में वो बोलते हैं ना हाहाकार मची हुई है। तो ये वो टाइम होता है जब पूरा पैसा लेके मार्केट में आ जाओ, एंड ऐसा वाला टाइम शायद ही कभी देखने मिलता है। जब ये शायद ये 2008 में लास्ट में जब उस टाइम पे जब आया था मंदी का दौर, तब एक बार निफ्टी शायद आई थी, मुझे उसकी आइडिया नहीं है, बट अगर ये रहा होगा तो ये उसी टाइम का कभी वक्त रहा होगा। बट ठीक है, अभी हम बात क्या कर रहे हैं वो ये कि जब भी निफ्टी इन पी रेशियो के रेंजेस में आती है तो आप उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन ले सकते हो कि अब यहां से आगे मार्केट कैसी जाएगी।
और एक चीज आपको बताता हूं कि ये दूसरी वेबसाइट है, इसके भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। ये ऐसा कहती है कि जब भी निफ्टी का पी लेस देन 12 हो जाता है ना, तो अगले 3 साल में निफ्टी का रिटर्न देखिए इतना आया है। तो ये भी पूरा पास डेटा पे बेसिस के, उसके बेसिस पे है। मैं आपको लिंक दूंगा, आप इसका जो पूरा आर्टिकल है पढ़ सकते हो। फिर अगले 5 साल में इतना परसेंट आया, 7 ईयर्स में इतना, 10 ईयर्स में इतना परसेंट आया। तो दिस इज बेस्ड ऑन यू नो लास्ट सो मेनी ईयर्स ऑफ डेटा, जहां पे इन्होंने बताया अगर निफ्टी का पी 12 से 15 के बीच में आया तब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 3 साल बाद प्रोबेबली इतना परसेंट रिटर्न मिल सकता है। एंड ऐसे अगर अबाउट 27 के निफ्टी आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल बाद शायद आपके रिटर्न थोड़े कम हो जाए या माइनस में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हाईली ओवर वैल्यूड जोन में आ जाती है ना। तो इन टेबल्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हो जो मैंने अभी आपको मोटा मोटी बताए हैं। तो अब इसे समझना क्या है, समझना ये है आज के रेट में दोस्तों निफ्टी 24870, जो मैंने 25000 बताई वही 24870 के आसपास चल रही है, ठीक है। और आज देखिए पी रेशो जो है निफ्टी का ये चल रहा है 23.19 के आसपास का, ये बता रहा है। अब ये जो पी रेशो है, ये पी रेशो अभी हमने जो इस टेबल के थ्रू देखा तो ये इस वाले जोन में आता है, राइट। सेकेंडली अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, क्या यहाँ पे आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर इसको आपको एक व्यू लेना है तो आप सिंपली कैसे ले सकते हो कि आज जब यहाँ पे 25000 की निफ्टी है तो ये 23.19 का पी रेशो है। बट एक चीज आपको अमेजिंग ये बताता हूँ कि अगर आप पीछे की तरफ चलो तो देखिए यहाँ पे 2022, 2021, ये 2021 तक भी अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं, चलो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 25.37 की निफ्टी चल रही थी एंड मतलब पी रेशो चल रहा था, ठीक है। और 21 जनवरी 2022 की बात है, इसी के और थोड़ा पहले चलते 22 अक्टूबर 2021 को 28 की पी चल रही थी। 28 की पी पे आपको क्या लगता है कि निफ्टी कितनी रही होगी? हाँ, आज 25000 के इंडेक्स पे निफ्टी 23 पे है पी रेशो, तो यहाँ पे 28 समथिंग ये जो आ रही है पी रेशो, हाँ 28.17, 22 अगस्त 2021 को निफ्टी कितनी रही होगी बताओ आपको। देखिए ये रहा, ये मैंने चार्ट ऑलरेडी लोड कर दिया है ट्रेडिंग व्यू पे एंड ये मैं आपको 21 अक्टूबर का ही डेटा एग्जैक्ट बताऊंगा। देखिए इस दिन निफ्टी रही थी 18633 की, तो 18633 पे निफ्टी का पी रेशो 28 क्रॉस कर गया था। आज ऑलमोस्ट 24800 की निफ्टी है 25000 के आसपास और निफ्टी का पी चल रहा है 23। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिजनेसेस के भी तो अर्निंग्स बढ़े हैं एंड जब वो अर्निंग्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे वो ले लिए जाते हैं। तो होता ये है कि निफ्टी का जो पी रेशो है उस हिसाब से एडजस्ट होते रहता है। सो पॉइंट ये है कि आज अगर निफ्टी 25000 की है, कल 50000 की हो या 1 लाख की भी हो, तो भी उसका पी रेशो आप चेक करें तो इससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगी कि बिजनेसेस की अर्निंग्स इसमें एडजस्ट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है ना एडजस्ट, तो आपको स्पाइक देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार से। और अगर कहीं पे ऐसा भी होता है कि बस सिर्फ निफ्टी नीचे नीचे जा रही है, तो उस केस में भी अगर एडजस्ट नहीं हुई है तो उस चीज को देखना जरूरी है। सो जब आप पी रेशो को आप लेके चलते हो तो यू गेट टू नो अ फेयर आइडिया कि आज के रेट में 25000 की निफ्टी होने के बावजूद इसका पीई रेशो काफी सही जगह पे चल रहा है, ना कि वो 28, 29 या 30 के ऊपर जा रहा है। सो दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया। नाउ सेकंडली वन मोर थिंग, चलिए एक और चीज को इसमें कंपेयर करते हैं। ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 का पी रेशो इतना चल रहा है, बट आपको बताना कि निफ्टी 50 के साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी बहुत चला है, तो उसको भी कंपेयर करें। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं मिड कैप वाला इंडेक्स देता हूँ। मिड कैप में मेरे पास कितने ऑप्शन है, देखिए ये सारे ऑप्शन है। मैं मिड कैप 150 को लेता हूँ, मोर ब्रॉडर इंडेक्स ऑफ मिड कैप्स, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करना है ताकि आपको चार्ट पे नजर आएगा। अब ये 5 ईयर्स का डेटा है, इसे 1 ईयर कर देते हैं, बिकॉज ये वाली जो स्पाइक है जो कोरोना के टाइम पे जो आई थी ना, ये हमें इस चार्ट को समझने में मजा नहीं आएगा, तो इसे एक बार 1 ईयर कर देते हैं। नाउ सी दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया, व्हाट इट शोज यू इज कि निफ्टी का मिड कैप का इंडेक्स आज के डेट में, मिड कैप के स्टॉक्स के भी प्राइसेस तो बहुत बढ़े हैं, निफ्टी 50 के जो शेयर्स के बढ़े तो इनके भी तो बहुत बढ़ गए हैं। तो निफ्टी मिड कैप 150 जो है इसका अभी पी रेशो चल रहा है 43.64 का एंड निफ्टी का पी रेशो चल रहा है 23.19 का। नाउ दिस गिव्स यू अ क्लियर यू नो इन अ वे आइडिया कि अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट शायद करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज निफ्टी का पी इज इन गुड रेंजेस। प्रोबेबली यू नो दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑब्वियसली टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको यहाँ पे ये गुड रेंज लग रहा है या यहाँ पे गुड रेंज लग रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड। बट यह माई पॉइंट इज दिस कि अगर निफ्टी 50 का जो पी रेशो है ये मिड कैप से इतना ज्यादा कम है एंड अगेन 23 है एंड मिड कैप वाले का 43 चल रहा है, तो दिस शोज यू
टू थिंग्स. वन इज दिस कि अगर आपके पास मिड कैप के ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको लगता है कि यू शुड बुक सम प्रॉफिट्स, इफ यू फील दैट देन यू कैन प्रोबेबली डू दैट, क्योंकि पीई रेशियो इज एट ऑल टाइम हाई. एंड इफ यू आर डिसाइडिंग ओनली ऑन द पीई रेशियो बेस्ड फैक्टर देन दिस ऑब्वियसली टेल्स यू दैट. एंड अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो चाहे आप निफ्टी में यहां पे करें या फिर आप निफ्टी के पी को और थोड़ा गिरने की वेट करें, देन आप कर सकते हो. बट एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि लाइफ में अगर कभी भी एनी टाइम अगर निफ्टी का पीई यहां आ जाता है ना, जैसे कि 15 के नीचे आना शुरू होता है और उसमें भी अगर 12 के नीचे आ गया, विच इज अ रियली रेयर सिनेरियो, तो बॉस मतलब आप समझ लो आपको क्या करना है. ये मैं आपको आगे भी बता चुका हूं कि भाई साहब कहते हैं कि पैसे का पैसा लेके आओ और अच्छे स्टॉक्स में लगाओ. उस टाइम पे भी याद ये रखना है कि सिर्फ वो कहते हैं ना सफेद घोड़ों पे पैसा लगाओ, सिर्फ ब्लू चिप्स पे पैसा लगाओ, बिकॉज घोड़े सबसे पहले भागेंगे और वो ब्लू चिप्स ही है जो मार्केट ट्रिगर होते ही तुरंत भागना शुरू करते हैं. अगेन दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन. आई एम जस्ट शेयरिंग यू माई इनसाइट्स, माई एक्सपीरियंसेस. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ एंड सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.